नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर नए विषय को लेकर के आया हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर निकुंज गुरुजी। अनंत वंदना करते हुए नए साल का प्रारंभ हो चुका है। नए नए विषयों को समझते हुए वास्तु, ज्योतिष, मंत्र, विज्ञान, देखी चारों तरफ जबरदस्त कोटि की महामारी, समस्या, टेंशन, तनाव में से दुनिया गुजर रही है। और उसी वक्त सभी लोगों को सबसे बड़ी समस्या अभी कोई सता रही है, तो वो समस्या है अपने बच्चों का भविष्य। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों के कमेंट और बहुत सारे लोगों के फोन के माध्यम से एक ही विषय को सब लोग सरल रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो के अंदर कुछ ही समय के बाद फाइनल एग्जाम आने वाली है, तो उनको बेहतर कैसे बनाया जाए। 2019 के अंदर हर व्यक्ति टॉपर बनना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छे से अच्छे मार्क्स को लाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी तकलीफ आती है कि पूरे साल तो अच्छा पढ़ते हैं, जैसे ही पेपर लिखने के लिए बैठते हैं, जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं, मगज अस्थिर हो जाता है। बराबर याद रह जाता है तो पेपर में बराबर लिख नहीं पाते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये छोटे छोटे पावरफुल प्रयोग आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत सारे सीए, बहुत सारे एमबीए ऐसे हैं कि लास्ट ईयर के अंदर आ जाते हैं और उनका थोड़ा सा गलती, थोड़ी सी उनकी बेदरकारी पूरे उनका जो कैरियर है उनको डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजों को बराबर समझिए। और आप सभी के लिए जरूर आपको कमेंट के अंदर जो जो भी व्यक्ति जैन अनुष्ठान परिवार से जुड़ा है, 3 साल की उपलब्धियों के साथ आप सभी के लिए ये हमने पूरा एक सरस्वती संपुट तैयार किया गया है, जो हम पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ चार्ज आपके घर तक पहुंचाएंगे। ये पूरा संपुट, इसके अंदर यंत्र कार्ड, वासस के प्रक्षा पोटली, सरस्वती चूर्ण, ये सारी चीजें इसके अंदर है। उसके बारे में भी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। खास आपके जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वो बच्चे का नाम और कौन से क्लास में वो स्टडी कर रहे हो आपको खास कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करना है। आपको हम आपके घर तक आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए किट पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज भेजेंगे। छोटी छोटी चीजें कागज पेन लेकर के आप लिख लीजिए। ये सारी बाबत है कि जिन जिन लोगों को शिकायत है, जो माँ बाप की कि जो हमारे बच्चे है पढ़ाई में उनके मन नहीं लग रहा है, पढ़ने के लिए बैठते तो स्थिर नहीं रह पाते, याद शक्ति आपको खास करके घर के अंदर उत्तर दिशा जो है, घर के अंदर ईशान कोण जो है, घर में जो पूर्व दिशा है वहां पर यदि आपने स्टोरेज बनाया है, वहां पर यदि बिना काम का कोई भी सामान पड़ा हुआ है, खास करके आज इसी वीडियो देखते कल से ही उनको तुरंत वहां से चेंज करना है, क्योंकि उनका सीधा संबंध है बच्चों के भविष्य के साथ में। तो खास करके ये सारी चीजों को समझते आपको ये पूरा बच्चों का जो भविष्य को उज्जवल बनाना आप चाहते हो, तो सरस्वती उपासना खास कराइए। चश्मे का भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के चश्मे जो है वो बहुत उनके ऊपर धूल जमी रहती है, इधर उधर रहता है, टेढ़े रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी और जितनी ज्यादा बहुत सारे बच्चे यदि पढ़ाई करने के लिए बेड के ऊपर बैठते हैं, सबसे बड़ा वास्तु दोष निर्माण जहां जिस घर के अंदर खाना यदि बेड के ऊपर खाया जाता है, जिस घर के अंदर वांछन पढ़ाई बेड के ऊपर होती है, वहां पर नकारात्मक एनर्जी खूब बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्सों को ध्यान में लेते हुए मंदिर के अंदर गाय का घी का दान कीजिए, बराबर थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। सुबह में जैसे ही बच्चे उठते हैं, सुबह के अंदर कुछ मंत्रों का गान है, गायत्री मंत्र है, भक्ता मरमा स्त्रोत्र है, यदि मेडिटेशन का छोटे छोटे जो म्यूजिक है वो भी घर के अंदर यदि सुबह सुबह के समय में बजते हैं, तो उनसे तनाव का काफी सारा वातावरण घर में से निकल जाता है। बहुत सारे लोग कौन सी दिशा के अंदर सबसे पहले तो बैठना है, पहले तो आपको खास जहां पर बच्चा बैठ रहा है उनको साफ सुथरी जगह के अंदर ही बैठना है। बहुत सारे लोग टेबल के ऊपर इतनी सारी चीजें रख देते हैं, इतना सारा सामान बिखरा हुआ रहता है, यदि वहां पर आपको बैठ करके अभ्यास करोगे वो चीज कभी भी आपको याद रहने वाली नहीं है, और याद भी रहेगी तो थोड़ा 4 बार 5 बार 7 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बैठने की जगह बराबर क्लीन रखिए, खास करके नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा के अंदर जो मन की स्थिरता बहुत बढ़ जाती है। अध्ययन के लिए यदि सबसे बेहतरीन यदि कोई दिशा है जहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन खूब आते हैं, तो खास करके आपको पढ़ने के लिए जो उनका जो मुख की बात हम करें तो पूर्व दिशा के अंदर मुख रख करके वो अभ्यास करता है, उत्तर दिशा के मुख रख करके वो अभ्यास करता है, तो उनकी जो वांछन शक्ति है, उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है, उनकी जो पढ़ने की क्षमता है खूब बढ़ जाती है। खास करके इधर उधर और कुछ चीजें ना कराते हुए पूर्व दिशा में मुख करके आप बैठ जाइए। जो बच्चा बहुत स्लोली पढ़ाई कर रहा है, बहुत कम याद रखता है, उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयोग बताए, कुछ समय के लिए सूर्य के जो किरणें हैं उनके शरीर के ऊपर, जहां पर सूर्य की किरणें आते हैं, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, 5 मिनट 10 मिनट भी आप सूर्य के नीचे बैठ जाते हो
आपकी जो ऊर्जा है जबरदस्त बढ़ जाती है। तो ये दो बात मुख्य हो गई, खास करके जो स्टडी टेबल है उनको शुद्धिकरण के साथ रखना है, बैठने की जो दिशा है उनको खास करना है, वडिलों का आशीर्वाद लेना है, जो पढ़ाई आप कर रहे हो ग्रुप के अंदर खास करके शेयरिंग करना है, और साथ साथ में देखा जाए तो गलत जो वास्तु है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ये सब करने से क्या होता है, ऐसे कितने सारे केसेस हमने देखे हैं कि लास्ट मोमेंट तक लास्ट ईयर में पहुंच जाते हैं और वहां पर फेल हो जाते हैं। तो खास करके छोटी छोटी जो कुदरत के प्रकृति के जो लॉ है उनको फॉलो कीजिए, आपके बच्चों का खूब सुंदर मजाना सुंदर भविष्य को निर्माण कीजिए, और ये निर्माण के अंदर अच्छे भविष्य आए, अच्छे चरित्र का निर्माण हो, बहुत सारे बच्चे के बड़े बड़े स्वप्न हैं, और ये इसी के कारण यदि आप थोड़ा सा बेदरकार रहते हो तो उनके भविष्य के साथ उनके अच्छे नंबर के साथ सिस्टमेटिक नहीं है, जो घर के अंदर जहां पर सामान जो होना चाहिए, किचन जहां पर होना चाहिए वहां किचन नहीं है, जहां पर बेडरूम होना चाहिए वहां पर बेडरूम नहीं है, जहां पर पढ़ने की दिशा बैठना चाहिए वहां, बहुत सारे लोग बालकनी में बैठते, बहुत सारे लोग जहां से हवाएं बहुत आती है वहां बैठते, तो ये सारी जगह पे जहां पर होना चाहिए यदि वहां पर नहीं है तो वहां पर उच्चाटन बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों की फरियाद है कि मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, बहुत सारे बच्चों की फरियाद है कि हमारे माता पिता हमारी बातों को नहीं सुनते। तो खास करके ये छोटी छोटी बातों को समझिए, ईशान कोण, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, खास करके कुंडली को अच्छी तरह से 2019 का साल प्रारंभ हो चुका है, अच्छे पंडित जी के पास उसका विश्लेषण करें। यदि कुंडली के अंदर आपका बुध खराब है, कुंडली के अंदर आपकी गुरु की गलत महादशा चल रही है, गुरु के ऊपर कोई दृष्टि है, तो उसके कारण भी आप जो मन में चाहते हो अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो वो नहीं कर पा सकते हो। तो खास ये छोटी छोटी बातों को करते हुए 2 महीने आपके पास 3 महीने बचे हैं, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, सिस्टमेटिक मोबाइल का उपयोग थोड़ा सा कम कीजिए, इधर उधर ध्यान लगाना कम कीजिए। भक्तांबर की जो छठी गाथा है वो जरूर, माता पिता को क्या करना है, बच्चे तो खूब दिल लगा करके पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी माता पिता है उन सभी लोगों को भक्तांबर की जो छठी गाथा है उनका पाठ करना है। कटोर में पानी लेकर के उसमें अंगुली रख करके वो पानी भी पिलाते हो, वो मंत्राक्षर हो बीजाक्षर, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मंत्र के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि अलग अलग प्रकार की रागों को खाली सुनने में भी आए तो वो तरंग से कितना भी बड़े से बड़ा तनाव है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, उसके अंदर राहत मिल सकती है। खास करके गुरु जो है यदि आपका पावरफुल होगा तो आपके जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, जीवन के अंदर सकारात्मक अच्छे दोस्त मिलेंगे, सपोर्ट सिस्टम जबरदस्त पावरफुल हो जाएगी। तो खास करके वडिल जनों की गुरुजनों की सेवा कीजिए, कुछ पल के लिए भक्ति ध्यान साधना कीजिए। ईशान कोना यदि खराब है तो समझ लेना कि आपका पढ़ाई में मन बहुत वीक हो जाएगा, तो बाथरूम टॉयलेट किचन ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, यदि है तो जल्दी से जल्दी उनका निवारण कर दीजिए, क्योंकि 2-3 महीना ऐसे हैं कि जिनके अंदर आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य बन सकता है। अंतिम बातों के अंदर खास करके वायव्य अग्नि कोण के अंदर बैठ करके बिल्कुल पढ़ाई ना करें, कितना भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। खास करके पीला रंग जो है, यदि बच्चों का रूम आप बनाना चाहते हो, दिवाली तो चली गई नया साल आ गया, यदि कोई नया अभी कमरा बना रहे हो तो खास करके उसमें पीला कलर है, हरा कलर है, सुनहरी कलर है, सफेद कलर है, उन सभी कलरों का मिक्सिंग करके या पर्टिकुलर वो कलर को लाइट कलर को यदि ज्यादा रखेंगे तो वो कमरा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ये कलरों का खास आप प्रयोग कीजिए, दान दीजिए, खास करके बिस्तर में पढ़ाई बिल्कुल ना कीजिए, और भक्तांबर की छठी गाथा है, अलग अलग प्रकार के सरस्वती बीज मंत्र है उनका पाठ, तांबे के लोटे का पानी पीजिए, खास करके जिनको कम याद रहता है, जिनका सूर्य वीक है, उन सभी लोगों को परीक्षा में टॉपर बनना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर 1 पे आना है तो तांबे के लोटा का पानी खास पीजिए। खास करके बढ़ने का जो स्थान है उनको क्लीन रखिए, और ये सारी चीजें करते करते खूब जीवन में तरक्की पाए, प्रगति पाए, और साथ साथ में अभी भी कल ही हम खास करके विदेश जा रहे हैं इजिप्त के दौरे पे ऊपर, वहां पर जाकर के बच्चों को किस प्रकार से पिरामिड से लाभ हो सकता है, विश्व का जो 7वां अजूबा है वो पिरामिड है, पिरामिड के माध्यम से कई सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं, कई सारे लोगों को लाभ हुआ है। तो जिन जिन को लग रहा है कि मैं वीक हूं, मुझे इस साल बहुत जबरदस्त मेहनत करना है, अच्छा रिजल्ट को लाना है, जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारी को दूर करने के लिए भी पिरामिड का जबरदस्त योगदान है। तो पिरामिड के बारे में आज ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लगभग 30 से 32 न्यूज़पेपर में, भारत के जो प्रख्यात न्यूज़पेपर है पूरे भारत के अंदर, पिरामिड का कैसा महिमा है, पिरामिड से क्या लाभ है, कितने सारे लोगों के घर में पिरामिड है, कितने सारे लोगों ने पिरामिड लगाए हैं, उनको भी कैसे चार्जिंग किया जाए, तो सारी चीजें वो न्यूज़पेपर के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और बराबर 18 तारीख को वापस मैं आपके सामने लाइव होऊंगा, जिसके अंदर पिरामिड एक अद्भुत ऐसी मिसाल कि बहुत सारे लंबे समय से जो जो भी काम रुके हैं
तुरंत यदि आप कुछ अनुभूत करना चाहते हो, 2-3 घंटे भी पिरामिड में आप पानी रख दीजिए, और वो पानी भी आप ग्रहण करते हो, पूरी बॉडी को चार्ज हो जाता है। तो ऐसे पिरामिड के बारे में सरस्वती महासाधना, और आपको लग रहा है कि हम वीक है, पढ़ाई में याद नहीं रह रहा है, माइंड यदि स्थिर नहीं हो रहा है, उन सभी के लिए रेकी का भी एक प्रोग्राम है, तो उससे अंदर भी खास जुड़िए। और अंतिम बार वापस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो भी माता बहन है, भाई बहन सुन रहे हैं, यदि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में कमजोर है, जरूर आप उनका नाम, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, वो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपको ये पूरा सरस्वती संपुट, जिसके अंदर सरस्वती काल, संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, और अभी पोष दशमी के दिन हमने पालीताणा के अंदर अठम के अंदर नौकार महामंत्र की जाप, 8-8 आचार्य भगवान वहां पर विद्यमान थे, उन सभी के वासस्केप और एक रक्षा कवच, ये सारी चीजें हम बिल्कुल फ्री आपके घर पे पहुंचाएंगे। आपको खास आपके बेटे का नाम, आपके परिवार में जो पढ़ाई कर रहा है उनका नाम, उनके क्लास खास लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। आप सभी का खूब उज्ज्वल भविष्य हो, यही जैन अनुष्ठान परिवार की भावना है। अगले विषय के साथ वापस मैं लाइव आऊंगा। और भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुंडली में यदि बच्चों को जो भी सीए कर रहे हैं, जो भी एमबीए, जो बड़ी अभ्यास के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और यदि आपको पंडित जी ने बोला है कि पूजा करानी है, ये दान देना है, या मंत्र का जाप करना है, तो जल्दी से जल्दी वो सारी नेगेटिविटी को दूर करके एक उज्जवल भविष्य, एक आपका सारे सपने को पूर्ण करने वाला 2019 का साल हो, इसी भावना के साथ आप मुझे रजा दीजिए। ये वीडियो के माध्यम से आपकी कई सारी शंकाएं दूर हो गई होगी, इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र, प्रणाम।